Hello students, I'm Rupa from Cox Academy. Welcome you all. Last topic में हमने पढ़ा था digestion and nutrition. ठीक है? Digestion में हमने पढ़ लिया था human beings का digestion और amoeba का. Digestion का जो end product आया था हमारे पास वो क्या आया था? End product जो था हमारे पास आया था glucose. जो भी आपने food खाया था, जो भी अंदर body में उसे absorb किया था, वो सारा का सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था और सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारा था वो ग्लूकोज में फूड आ गया था. ठीक है, जो विलाइट इज वन सन थी वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड थी और ब्लड वेसल से कनेक्टेड होने के बाद ब्लड जो है उस न्यूट्रिएंट को ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया था टुवर्ड्स द सेल. अब सेल के अंदर सारा बाकी का फंक्शन हुआ. सेल ने क्या रिसीव किया? ग्लूकोज रिसीव किया था सेल ने. ठीक है, सेल ने जब ग्लूकोज रिसीव किया तो सिर्फ ग्लूकोज से हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती है, उस ग्लूकोज का पहले ब्रेकडाउन होना जरूरी होता है. जब ग्लूकोज टूटता है, उसका जब ब्रेकडाउन होता है, तब उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज. जो भी हम बॉडी के अंदर हमारी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी हम कर रहे हैं, उन सब चीज के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इसी ग्लूकोज से मिलती है. लेकिन ग्लूकोज उसको डायरेक्टली नहीं देता, उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी होता है. ओके, अब रेस्पिरेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. रेस्पिरेशन क्या है? वही जो हम यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको हम यूज करेंगे. रेस्पिरेशन में कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कुछ होते हैं विदाउट ऑक्सीजन पे रेस्पायर करते हैं. ठीक है, तो दो तरह के होते हैं रेस्पिरेशन के, टू टाइप्स होते हैं. जो पहला होता है हमारा वो है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा जो है हमारा है वो है एनएरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है? यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज करके और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है. ओके, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी लिबरेट होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, ये तो हमें पता है. ठीक है, इसमें जो होगा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एनएरोबिक, और ये जो एरोबिक है उसमें हम लोग आ गए जो ऑक्सीजन की जिसको रिक्वायरमेंट होती है. एनिमल्स आ गए, ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ग्लूकोज हमें मिला था, ठीक है, एक रेस्पिरेशन का एक पाथवे होता है पूरा. जो ग्लूकोज हमें मिला था डाइजेशन के बाद, ये ग्लूकोज जो था वो C6H12O6 यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे इसके अंदर. इस कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना जरूरी है. मैंने बताया था कि ग्लूकोज जो होगा जब ब्रेकडाउन करेगा तभी वो एनर्जी रिलीज करेगा. लेकिन ब्रेकडाउन करेगा तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है बेटा, उसका नाम है पाइरूवेट. पाइरूवेट बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो पाइरूविक एसिड. ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल था ब्रेकडाउन हुआ इसको. ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का पाइरूविक एसिड में, इसको हम प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, ये कहां हो रहा है प्रोसेस? सेल के कौन से पार्ट में हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है. साइटोप्लाज्म में हो रही है. ठीक है, अब ये पाइरूवेट बन गया हमारे पास. ग्लूकोज को थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया जा चुका है, पूरा नहीं हुआ है अभी. अब यहां पे आते हैं हम एरोबिक और एनारोबिक वाले में. ओके, जो पहला हमारा होगा वो है हमारा एनारोबिक. ठीक है, एनारोबिक में मैं लेती हूँ एग्जाम्पल ईस्ट का. एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ईस्ट में क्या होता है कि जब भी ये पाइरूवेट आगे फर्दर ब्रेकडाउन करेगा तो क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल में कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है, नॉल बन रहा है यानी इट इज द वन फॉर्म ऑफ द एल्कोहल. ठीक है, इथेनॉल उसके साथ साथ रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. उसके साथ साथ क्या रिलीज करेगा? कोई भी रेस्पिरेशन हो, रेस्पिरेशन का
रेस्पिरेशन होता क्यों है? एनर्जी रिलीज करने के लिए, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी साथ में एनर्जी। ये मैं एग्जांपल दी ईस्ट की, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो ईस्ट है, जैसे कि ईस्ट और हम डोसा इडली का बैटर ले सकते हैं एग्जांपल में। उसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई भी बैटर को पीसा है पहले, ठीक है, ग्राइंड किया है, उसके बाद जब हमने उसको रखा है ओवरनाइट, तो उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए छोड़ा जाता है। अगर इतना सा बैटर था किसी भी बर्तन के अंदर, नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखोगे वो फूल कर पूरा डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल कैसे हो गया? वो फर्मेंट हुआ, यानी कि ईस्ट सेल ने उसके ऊपर काम किया। ठीक है, एक तरीके से वो सर रहा है, लेकिन दैट फर्मेंटेड फूड इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसमें आपको जब आप डोसा इडली खाते हो, तो आप जब इडली को तोड़ते हो या डोसे को देखते हो, तो उसमें आपको होल दिखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं। इडली को जब आप तोड़ते हो तो वो आपको दिखता है, उसके अंदर कुछ एरी एरी सा दिखता है आपको, ठीक है, फ्लफी सा होता है। वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है, क्योंकि इसका रेस्पायर किया एनारोबिकली, तो वो क्या अपना न्यूट्रिएंट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर रिलीज करेगा तो ये गैस बनेगा उसके अंदर। जब आप बनाते हो तो गैस जो होती है, जो एयर पॉकेट्स बन रही होती है, वो ब्रेक डाउन कर जाती है, वो जगह खाली बच जाती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सैक्स हमें दिखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक हमें एक सार सी स्मेल भी आती है, एक खट्टी सी स्मेल आती है, वो किसकी वजह से है? इथेनॉल की वजह से। ठीक है, तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, कहते हैं डोसा इडली खाओ तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्यों? थोड़ा सा अल्कोहल का कंटेंट है, इथेनॉल है उसमें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये वही वाला अल्कोहल है। ओके, ये फर्मेंटेड फूड है और हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सेम प्रोसेस भटूरे में भी होती है, अगर भटूरे को आप तोड़ोगे तो उसके अंदर भी एयर पॉकेट्स आपको दिखती है। वो एयर पॉकेट्स कैसे आई? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, उसके साथ साथ अगेन एक सार सी स्मेल आएगी आपको, वो फर्मेंटेशन की वजह से इथेनॉल के रिलीज होने की वजह से निकली है। ठीक है, और वो एयर पॉकेट जब आटे को उसके बाद नेट किया गया तो वो पॉकेट फट गई। ठीक है, और वो स्पेस वहीं पे वैसे ही छोड़ देंगी, जिसको जब हम तोड़ते हैं तो हमें दिखती है। ओके, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज करेगी। ये था एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में। लेकिन एक और जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, क्या हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पायर करती है? यस, करती है, विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पायर करती है। कब करती है? ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बाहर से नहीं ले रहे हो, हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, सपोज जैसे कि अगर आप डेली एवरीडे आप 10 किलोमीटर साइकिल चला लेते हो, साइकिलिंग कर लेते हो, एक दिन मैंने आपको कहा कि आज आपको जो है 12 किलोमीटर साइकिल चलानी है, चला लोगे आप? ठीक है, मैंने आपका 13 का 13 भी चला लिया, लेकिन आप कह दो आप 20 किलोमीटर उसी टाइम पर साइकिल चला लो, आप चला तो लोगे, लेकिन क्या होगा नेक्स्ट डे? क्या होगा या सेम डे रात में आप कैसे फील करोगे? आपको मसल क्रैम्प्स आएंगे, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक रेगुलर एक्टिविटी से ज्यादा आपने अपनी बॉडी को एक्सर्ट किया उस समय। ठीक है, वो जो आपने ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा काम किया है, उसकी एनर्जी कहां से मिली? हमारी बॉडी तो उतना ही रिस्पायर करी, उतना ही ऑक्सीजन आ रहा है, सेल जो है उतना ही रिस्पायर कर रहा है, तो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी जब हम थक जाते हैं ना, तब भी हम दौड़ते रहते हैं, साइकिल आप चला रहे हो, तो एनर्जी हमें बॉडी अलग से प्रोवाइड करती है। कैसे करती है? एनारोबिकली रिस्पायर करती है उस समय। तो ये एनारोबिकल रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कहां होता है? मसल सेल्स में होता है। जब मसल सेल्स जब विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब कि एनारोबिकली रिस्पायर करेगी तो मुझे एंड प्रोडक्ट देती है, उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के साथ साथ वो एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी तो खत्म हो गई डेली, 10 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, 13 तक चला लिया, उसके ज्यादा हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो क्या करेगी बॉडी? थोड़ा सा और एनर्जी प्रोवाइड करेगी। उस केस में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए जो सप्लाई होती है बाकी सब जगह से, जैसे थोड़ी देर रुककर और एनारोबिक रिस्पायर बॉडी करती है, तो एक हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर क्रिस्टल फॉर्म होने लग जाते हैं। वो किसके क्रिस्टल फॉर्म होते हैं? लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। जब वो क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो कहीं सर्कुलेशन में थोड़ी देर के लिए हमारे लिए एक रुकावट पैदा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है, जिसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प्स। तो मसल क्रैम्प्स आने का रीजन क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। जरूर आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपके नॉर्मल रूटीन से अलग था और आपने अपनी बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट किया उसमें। ठीक है, तो बॉडी क्या कहती है कि थोड़ी देर चलो ठीक है, तुम इतना तो दौड़ रहे हो, थोड़ा सा ही मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कंप्लीट 20 किलोमीटर तुमको साइकिलिंग करवा ही होगा। तो एरोबिक रिस्पायर करके मसल से ये दो प्रोडक्ट रिलीज करती है। अब आता है एरोबिक, ये दोनों तो एरोबिक थे, अब एरोबिक रेस्पिरेशन एंड
माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, या फिर साइटोप्लाज्म में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमने क्या ब्रीद आउट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ वाटर विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, रिस्पायर करें तो हमें एनर्जी मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी कौन से प्रोसेस में कितनी एनर्जी मिल रही है हमको। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा एनर्जी का जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एनर्जी जो होगी 38 ATP रिलीज होगी, यहाँ पे देगा 280 एनर्जी देगा, लेकिन हमारी साइकिल तो कंप्लीट करा थी इसने, ठीक है, हारे तो नहीं हम जीत गए, ठीक है, मसल ग्राम से। और क्या होगा, दो तीन दिन धीरे धीरे करेंगे तो वो 2-3 days बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका पैरों का दर्द फिर से खत्म होने लग गया है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो फॉर्म हुए थे वो अपने आप डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप से एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखना है कि सिर्फ बैक्टीरिया या ईस्ट ये सब एनारोबिक रेस्पायर नहीं करती, बल्कि हमारी बॉडी भी कुछ सर्टन कंडीशन में एनारोबिक रेस्पायर करती है मसल सेल्स में, लेकिन एंड प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट में प्रोडक्ट इथेनॉल निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एनर्जी निकली, जो मसल सेल रिस्पायर करेगी तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करेगी। जब हम एरोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम हमेशा कर रहे हैं उसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, लॉस ऑफ एनर्जी जो कि 38 होगी, ठीक है। ये रेस्पिरेशन हमारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है हमारी, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलते हैं।